झारखंड में अगर हम नक्सल प्रभाव की बात करें तो 24 में से 21 जिले इस राज्य के नक्सल प्रभावित हैं, तो वहीं 18 में नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहां पिछले 7 साल में कितने नक्सली हमले हुए, आइए देखते हैं। झारखंड में इससे पहले लातेहार के एसपी पर 5 फरवरी को नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें तत्कालीन एसपी क्रांति कुमार गणदेशी बाल बाल बचे थे। 10 जनवरी 2013 को लातेहार में नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ का एनकाउंटर हुआ था, इसमें एक जवान शहीद हो गया था। नक्सलियों ने इस जवान की हत्या के बाद उसके पेट के भीतर बम रख दिया था। 7 जनवरी 2013 को लातेहार में नक्सलियों के हमले में 7 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 9 नवंबर 2012 को गिरिडीह में कैदियों की गाड़ी पर हमला बोलकर 2 पुलिसकर्मियों और 1 विचाराधीन कैदी की नक्सलियों ने जान ले ली। 23 जुलाई 2012 को रांची में हमला किया, इसमें 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। 21 जनवरी 2012 को गढ़वा में नक्सली हमला हुआ, यहां बारूदी सुरंग धमाके में 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 17 जुलाई 2010 को लातेहार में नक्सली हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 6 अक्टूबर 2009 को एक अगवा पुलिसकर्मी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। 13 जून 2009 को बोकारो के पास हुए हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 4 मार्च 2007 को नक्सलियों ने होली के दिन जेएमएम के सांसद सुनील महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिसंबर 2006 को घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में 14 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। बोकारो के पास बारूदी सुरंग का धमाका कर नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। संदीप कुमार, इंडिया न्यूज़।